हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बाय माय अदर वीडियो। आज की टॉपिक बताने वाले वैसे छात्र जो 2019 से 22 सेशन वाले हैं और वो पार्ट टू का आर्ट्स करियर का इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, आपको थंबनेल देखकर समझ में आएगा कि इस पर आर्ट्स करियर के बारे में बताने वाले हैं। तो आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना है। आपको मैंने बताया कि आर्ट्स करियर वाले स्टूडेंट के लिए इस वीडियो को बनाया गया है, पार्ट टू वाले आर्ट्स करियर के लिए। 2019 से 22 सेशन वाले कब तक रिजल्ट आएगा? बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन में कि रिजल्ट कब तक आएगा। अभी तक साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। साइंस का रिजल्ट अभी 10 दिन पहले ही डिक्लेयर किया गया है। अब बहुत सारे स्टूडेंट आर्ट्स वाले परेशान हो रहे हैं कि कब तक रिजल्ट आएगा, कब तक रिजल्ट आएगा। देखिए, क्योंकि होता क्या कि आर्ट्स में क्वेश्चन बहुत होते हैं तो उसको जांच करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आर्ट्स के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, सबसे कम स्टूडेंट होते हैं कॉमर्स के, फिर साइंस के, और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट हमारे आते हैं आर्ट्स में। क्योंकि आर्ट्स सब्जेक्ट हर स्टूडेंट का चॉइस होता है, तो आर्ट्स में बहुत सारे कॉपी होते हैं, उसको जाँच करने में बहुत टाइम लगता है। आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अभी नवंबर स्टार्टिंग हो चुका है, मुझे ऐसा लगता है कि नवंबर के दूसरे सप्ताह तक आपका रिजल्ट आने की कुछ नोटिस आ जाएगी, या हो सकता है आपका रिजल्ट पब्लिश भी कर दिया जाए। मतलब कि साइंस का रिजल्ट हुआ उसके आपके एक महीने के अंदर आपका रिजल्ट पब्लिश करने की संभावना रहती है। तो आपको क्या करना है, अभी मतलब दूसरे सप्ताह, मतलब अभी से 15 दिन या 17 दिन या 20 दिन रखो, विद इन 20 डेज आपका रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आपको भी पार्ट टू आप एग्ज़ाम दिए, अगर आपको लगता है मैंने अच्छा से एग्ज़ाम लिखा था, आप पार्ट थर्ड का तैयारी कर सकते हैं। तो आप पार्ट थर्ड का तैयारी करें, आपका रिजल्ट निकलेगा, उसके थ्रू एग्ज़ाम फॉर्म भराएगा, फिर आपका एग्ज़ाम ले लिया। तो आपको क्या करना है, उसके लिए प्रिपरेशन करना है। तो आप पार्ट थर्ड का पहले पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपका पार्ट टू का रिजल्ट आ ही है, मैंने आपको बताया 20 तारीख तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, 20 नवंबर तक आपका रिजल्ट होने की कोई संभावना है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट सेशन करके पूछ सकते हैं। और मैंने हर एक सेशन का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया था, प्लेलिस्ट पे जाके भी वीडियो देख सकते हैं। जो भी उसमें आपको वीडियो यूजफुल लगता है उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बता रहा, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।